अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। पाकिस्तान और भारत समेत दुनिया भर में व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम की सर्विस मुतासर हो गई है और दुनिया भर में सोशल मीडिया एप्लीकेशन की सर्विस मुतासर होने की वजह से सारफीन को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान में भी सोशल मीडिया सारफीन को मुश्किलात का सामना हो रहा है। इस हवाले से ट्विटर पर सोशल मीडिया सारफीन रद्द अमल का इजहार कर रहे हैं और सोशल मीडिया सारफीन की जानब से तंज व मजाक का काफ़ी सिलसिला शुरू हो गया है और साथ ही तनकीद भी की जा रही है। दूसरी जानब व्हाट्सएप ने ट्विटर पर बयान जारी किया है कि जिसमें कहा गया है, हमें इल्म है कि बाज लोगों को व्हाट्सएप के इस्तेमाल में मसला दरपेश है, हम चीज़ों को मामूल पर लाने के लिए काम कर रहे हैं और इस हवाले से जल्द ही आगाह किया जाएगा। तो हम देखते हैं कि मैसेज करके देखते हैं कि कोई भी हमारा मैसेज जो है व्हाट्सएप या फेसबुक, इसे ओपन करके देखेंगे कि क्या हमारी चैट या फिर हमारा मैसेज या कोई भी व्हाट्सएप, फेसबुक या मैसेंजर काम कर रहा है या नहीं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ स्क्रीन पर, हम देखते हैं जी। तो हम अपनी स्क्रीन पर आ चुके हैं। अभी मैं आपको व्हाट्सएप ओपन करके दिखाऊंगी, कोई एक मैसेज करके दिखाऊंगी कि क्या हमारा मैसेज सेंड होगा या नहीं होगा, क्या वाकई ही सर्विस बंद हो गई है या फिर सिर्फ ये अफवाह है। मैसेज करके यहाँ पर देखूंगी तो मेरा मैसेज जाता है या नहीं। लेकिन मैं काफ़ी देर से वैसे देख रही थी कि मेरी शायद व्हाट्सएप में प्रॉब्लम हो गई है। कभी मैं अपने मोबाइल को रीस्टार्ट करके देख रही थी कभी, क्योंकि मैंने ट्विटर पर नहीं देखा था, कम ही यूज़ करती हूँ, इसलिए मुझे नहीं पता था कि व्हाट्सएप या मैसेंजर या फेसबुक इसके सर्विस जो है इसकी चली गई है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक दफ़ा फिर ट्राई करके देखती हूँ। तो ये वाकई सर्विस जो है बिल्कुल ख़त्म हो गई है, कोई सिग्नल्स नहीं आ रहे। मुझे लगा था वाईफाई में मसला है या मोबाइल एरर या जो भी है, तो ये इस तरह नहीं है, ये पीछे से ही कोई यानी कि जेन्युइन मसला बना हुआ है। तो इंशाल्लाह अल्लाह करे सुबह तक खुल जाए तो ये देख सकते हैं। अभी यूट्यूब जो है ये काम कर रहा है, बाकी सर्विस जो है वो है हमारी, सिर्फ व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर जो है इसी पे ही मसला दरपेश आया है हमें। तो अल्लाह करे सुबह तक ये ओपन हो जाए इंशाल्लाह ताला, क्योंकि जिन लोगों के जो काम रुके हुए हैं ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, मैसेंजर, ये चीज़ें अगर बंद कर दी गई या फिर काफ़ी यानी कि ये तो हमारा एक सिलसिला जो चल रहा है वो भी ख़त्म हो जाएगा। इसलिए इंशाल्लाह ज़रूर ये सुबह सिग्नल्स जो हैं वो बहाल हो जाएंगे। तो ये देखें ट्विटर जो है ये चल रहा है, ट्विटर पे भी लोगों ने ये देखने ट्वीट किया हुआ है कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम की सर्विस बंद हो चुकी है। हाँ जी बिल्कुल सर्विस बंद हो चुकी है, ये सच है। तो फेसबुक देखते हैं, हम अपना फेसबुक ओपन करके देखेंगे कि क्या फेसबुक के ऊपर कोई सर्विस थोड़ी बहुत है या नहीं। नहीं बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर भी, क्योंकि ये मुझे इसलिए पता चला है कि फेसबुक पर जो न्यू अपडेट होती है या फिर कोई ये देख लें, इस तरह मैंने ओपन करके देखा है यानी कि कोई चीज़ यहाँ पर हम शेयर करेंगे लेकिन नहीं हो रही। मैसेंजर भी मैंने ओपन करके देखा है, वो भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं सिग्नल आ रहे ना मैसेंजर के भी। ये देखें व्हाट्सएप भी दोबारा से मैंने ओपन किया है लेकिन नहीं। तो ये मेरे पास एक और व्हाट्सएप है, उस पर भी मैं देख लूँगी, उस पर भी सिग्नल्स नहीं हैं बिल्कुल भी। देख सकते हैं आप, मैंने मैसेजेस किए हुए थे काफ़ी देर से लेकिन मेरा कोई भी मैसेज सेंड नहीं हुआ। तो इस तरह सर्विस जो है वो बिल्कुल भी नहीं है, मुतासिर हुई हुई है, सुबह तक इंशाल्लाह बहाल हो जाएगी इंशाल्लाह। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, अगर आपको पसंद आई हो तो काइंडली चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।